आप सबों का लिविंग हैप्पी में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम वेलनेस सीरीज में ही देखने जा रहे हैं नी पेन। जैसा कि अक्सर उम्र के साथ साथ या कई बुरी आदतों के वजह से, बुरी लाइफस्टाइल के वजह से, गलतियों से, कई कारणों से हम नी पेन से पीड़ित रहते हैं, तो आइए हम इसके बारे में काफी कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि नी पेन, घुटने का दर्द होता क्या है। तो यह परिणाम है हमारे घुटने में, हमारे जॉइंट्स में बहने वाले जो साइनोवियल फ्लूड है, उनकी कमी हो जाती है, उनकी मात्रा घट जाती है उम्र की वजह से, जिससे कि लुब्रिकेशन हमारे नी जॉइंट में घट जाते हैं और तभी से हमारे इसमें पेन शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारे घुटनों में स्टिफनेस आ जाती है, फ्लेक्शन की कमी हो जाती है, एक्सटेंशन करने में समस्या आ जाती है नी जॉइंट का, और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि बियर और टियर है हमारे जॉइंट्स का, यह भी धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं स्टिफनेस के कारण। आज के युग में यह हमारे मिडिल एज के लोगों में भी काफी पाया जा रहा है, क्योंकि इसके कारण ही हमारे मसल में स्वेलन, इन्फ्लेशन आ जाते हैं और यह टेंडन, मेम्ब्रेन्स, लाइनिंग द जॉइंट्स, ये सब की वजह से होते हैं। यह ज्यादा उम्र वाले के लिए तो बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। तो आइए हम इसकी बात करते हैं कि इसके क्या कारण है। तो प्रमुख कारणों के बारे में अगर जाने तो सबसे पहले पता लगता है कि इसका प्रमुख कारण है हमारे नी पेन का मोटापा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मोटापा कई बीमारियों का, कई डिसऑर्डर का होस्ट होता है। नी इंजुरी अगर हमारे कभी हो गए हैं और लंबे समय तक या तो हम खड़े ही रहते हैं या हम बैठे ही रहते हैं, तो यह भी हमारे नी पेन के काउजेज में आते हैं। और कभी हम खड़े होते हैं तो इम्प्रोपर पोस्चर में खड़े होते हैं, एक ही पैर पर खड़े होते हैं, हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या कई बार एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में रहते हैं, इसके कारण भी होते हैं, और महिलाओं में मेनोपॉज के दौरान भी होते हैं, और बुढ़ापा आने पर तो होता ही है। तो यह कुछ प्रमुख कारण हैं जो कि जिसके कारण हमारे नी पेन हो सकते हैं। तो अगर हम इन कारणों की बारीकी से जांच पड़ताल करें और यह सुनिश्चित करें कि यह कारण को अपने इर्द गिर्द भटकने ना दे, जीवन शैली ऐसा अपनाए जिसमें इन कारणों का कहीं कोई स्थान न हो, तो आप अपने आप को मुक्त पा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मित्रों, क्योंकि हमारे लिविंग हैप्पी टारगेट करते हैं उन आसनाओं को, प्राणायाम को, उन एक्सरसाइज को जिसके थ्रू आप वेल राउंडेड फिटनेस यानी कि वेलनेस उपलब्ध करा सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जानने पहचानने के लिए। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इस आसना और प्राणायाम की क्या महिमा है। तो यह हमारे अवेयरनेस को सुधारता है, हमारे अलाइनमेंट को, जो हमारे नी अलाइनमेंट है, इन्हें सुधारता है। इसके साथ साथ ही अगर कहीं क्षतिपूर्ति हो गया है तो इसे भी मरम्मत करता है हमारे घुटनों के, जॉइंट्स की लुब्रिकेशन को, जहां उसको और बढ़ा देता है, हमारे पेन में काफी हद तक यह रिलीफ देता है और जॉइंट्स को और भी मजबूत कर देता है। इसके साथ साथ ही हमारे जॉइंट की मोबिलिटी और दर्द से निवारक देता है। तो आप अगर नियमित कुछ आसना प्राणायाम, जो कि अगले वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप करेंगे तो इससे काफी हद तक आप निजात पा सकते हैं और आपको घुटने की दर्द की समस्या से ग्रसित होने की नौबत कभी नहीं आएगी। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हम लोग का सबका लाइफ स्टाइल अलग है, ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, अलग अलग कारणों से ये हो सकते हैं। तो हमें आसन प्राणायाम भी हमें अपने लाइफ स्टाइल, हमारे वर्किंग रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही चुनना है, जो कि किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस पर आप ले सकते हैं। हमारी अगली वीडियो आप देखेंगे जो कि नी पेन पर टारगेटेड मैं करता हूं,
इसके साथ ही आपको यह ध्यान देना है कि जब भी आप खड़े हो रहे हैं, जब भी बैठ रहे हैं, तो करेक्ट पोस्चर में बैठिए, उल्टे सीधे पोस्चर, जिसमें कि आपको ज्यादा घुटने पर दर्द आ रहे हैं उठाने के समय। आप कई आदमी होते हैं घुटने को ही पकड़ के उठते हैं, घुटने पकड़ के ही बैठते हैं, तो उनको आप ओवरलोडिंग दे रहे हैं। घुटने सिर्फ शरीर के उठाने के लिए हैं, उन पर ओवरलोडिंग देने के लिए नहीं है। तो हम कुछ एहतियात छोटी मोटी लेके हम अपने नी पेन को कर सकते हैं। कई आसनाएं योगाओं के बारे में हम बताएंगे जो कि 1 से 5 मिनट तक ही आप करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो के मार्फत मैं बताऊं मित्रों कि अगर हम कुछ अपने लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली में थोड़ा बहुत ही परिवर्तन कर पाए, ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए, तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम दिखेगा। जैसा कि मैं हमेशा कहते रहा हूं, हमारी सुबह यानी कि दिन का शुरुआत 3 ग्लास गुनगुना पानी के साथ कीजिए। जमीन में बैठ के थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके, घूट घूट करके, अगर संभव है तो उस 1 लीटर पानी को आप पूरे 5 मिनट लगाकर जमीन में बैठकर पीजिए। और 2 से 3 लीटर अगर जेंट्स हैं तो 3.6 लीटर पर डे कंज्यूम कीजिए, और लेडीज हैं तो 2.6 लीटर वाटर तो जरूर आप कंज्यूम कीजिए पर डे। अपने बॉडी वेट को आइडियल बॉडी वेट में रखिए, ओवरवेट में नहीं दीजिए, ओबेसिटी कैटेगरी में मत रखिए, बीएमआई को कंटिन्यू मेजर करते रहिए। और चूंकि हमारा वजन ज्यादा हो जाता है तो घुटने पर भी ज्यादा वजन आ जाते हैं जो कि दर्द के कारण बन जाते हैं। आप एलोवेरा ले सकते हैं, उसमें 2 चम्मच एलोवेरा ले लीजिए, 2 और 4 चम्मच पानी मिला के सुबह सुबह ही पी लीजिए, जिससे आपके घुटने के दर्द में भी लुब्रिकेशन आ जाएंगे। आपको अगर सुबह पीना है तो आप हर्बल टी या ग्रीन टी पिया कीजिए। आप कैफीन जैसे कॉफी, चाय और एरिनेटेड ड्रिंक्स, ये सबको अवॉइड कीजिए जहां तक हो सके, और भरपूर मात्रा में पीले और ऑरेंज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे कि कैरेट है, एप्रिकोट है, स्क्वाश है, मैंगो है, ऑरेंजेज है, मेलन है, ये सब में अल्कलाइन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं प्रकृति में मित्रों, या हमारे एज को भी, आयु को बढ़ाते हैं। तो इससे आपके घुटना दर्द में तो आएंगे ही और चेहरे में भी ग्लो आएगी। हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा खाना है, जैसे कि स्प्राउट जो कि बड़े ही अल्कलाइन होते हैं, हमारे शरीर से एसिडिक मात्रा को हटाते हैं। इन अल्कलाइन फूड्स की एक गुण होती है कि इनमें कई डिपोजिट्स आ जाते हैं, जॉइंट्स के डिपोजिट जो वहां रुकने लग जाते हैं, लुब्रिकेशन को घटा देते हैं, इनको ये डिजोल्व कर देता है और हमारे दर्द में भी निवारण करता है मित्रों। फ्लेक्स सीड खाइए, अगर आपको घुटने का दर्द है तो मेरा यह सलाह होगा कि फ्लेक्स सीड को किसी भी रूप में आप फ्राई करके जैगरी के साथ खा सकते हैं, फुला के भी पी सकते हैं, कई तरीके हैं आप खा सकते हैं, जिससे आपके इन्फ्लेशन जो जॉइंट के हैं फूल जाता है, वहां रेडिस हो जाते हैं और दर्द रहते हैं, कई बार धब्बे कालापन तक हो जाते हैं, तो ये सब इन्फ्लेशन, कई तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं। फ्लेक्स सीड के बारे में अगर जाने मित्रों तो हमें पता लगता है कि ये हमारे शरीर को एक नोरिशमेंट देते हैं, हमारे इन्फ्लेमेशन को ये प्रिवेंट भी करते हैं और खत्म भी करते हैं, भविष्य में भी नहीं होने देंगे। इसके साथ ही यह हमारे नर्व डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं, यहाँ तक कि कैंसर हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी ये निकालते हैं फ्लैक्सीड मित्रों, क्योंकि इन फ्लैक्सीड में प्रोटीन बहुत ही उच्च मात्रा में होती है, विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, इन सब हमारे शरीर को पोषक तत्व, जो जरूरी पोषक तत्व चाहिए ये सब देते हैं। इनके साथ ही इनमें फाइबर भी होते हैं जो कि हमारे फूड को, हमारे मील को स्टेबलाइज करते हैं और शरीर से गंदगी को निकालते हैं, हमारे ब्लड शुगर को भी स्टेबलाइज करते हैं, कैंसर तक से लड़ने की क्षमता इन फ्लैक्सीड में है मित्रों। ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि हमारे ब्रेन फंक्शन तक को बूस्ट करते हैं, तो अगर आप
नी पेन से सफर कर रहे हैं तो फ्लैक्स सीड जरूर अपनाइए। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज ऐसी हैं जिसे हमें नहीं खाना है, जिसमें मुख्यतः है रिफाइंड फैटी फूड कई होते हैं जो आपको मालूम होता है, डीप फ्राइड स्पाइसी फूड जो कि एसिडिक होते हैं, हमारे बायो रिद्म को पूरे तहस नहस कर देते हैं और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ ही हमारे दर्द को और भी ज्यादा भयानक बना देते हैं। अगर आप घुटने के दर्द से सफर हो रहे हो तो आपको सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है जब तक कि घुटने अच्छा से ठीक ना हो जाए। आप स्टैंडिंग आसना को और रिक्लाइन आसना को कर सकते हैं जो कि आपके घुटने को स्ट्रेंथ देगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके घुटने के दर्द शुरू हो जाते हैं आप धीरे धीरे आसना को शुरू कीजिए। और इसके साथ साथ ही प्राणायाम तो अवश्य ही कीजिए, विशेषकर कपालभाति प्राणायाम कीजिए जो कि आपके बोन और मसल मास को बढ़ाएगा, उसके डेंसिटी को बढ़ाएगा यानी कि मजबूती प्रदान करेगा। इसके साथ साथ ही उसके इन्फ्लेमेशन को बिल्कुल घटा देगा और आपके मसल के लिगामेंट और जॉइंट को एक मजबूती तंदुरुस्ती लचीलापन देगा। तो आप कपालभाति कीजिए, इसके साथ ही नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कीजिए जो कि हमारे स्ट्रेस को खत्म करेगा। आपके दर्द पर से आपके ध्यान को कहीं और लगाइए जो कि हमारे शरीर के तो रिलैक्स देता ही है, इसके साथ साथ हमारे मस्तिष्क को भी रिलैक्स करता है, हमारे हार्मोन्स को में एक संतुलन पैदा करता है, इसके साथ साथ ही सारे तरह के दर्द से निवारण करता है। तो मित्रों आज इस लघु वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम बैक पेन नी पेन के बारे में अगर हम जानकारी रखते हैं, स्पेशली उसके कारण के बारे में जानते हैं, कैसे योगासन और प्राणायाम हमें मदद कर सकते हैं और कैसे हम एक अच्छा सा लाइफस्टाइल अगर हम विकास कर लें अपना लें तो किस तरह से यह मदद करेगा, इसके साथ साथ ही हमने देखा कपालभाति और नाड़ी शोधन के साथ इसके विशेष तरह से लगाव है जो कि नी पेन में विशेष योगदान है। इसके साथ ही आपने देखा कि फ्लैक्स सीड कैसे उसके विटामिन मिनरल्स सब हमारे शरीर को घुटने के दर्द के लिए मददगार साबित है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। नरेंद्र कुमार की ओर से फिर मैं मिलता हूँ इसी प्रकार एक और पावरफुल और आपके लिए यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक सप्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।